देखिए, हम लोगों ने कंज्यूमर मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ये स्टडी किया था कि दो तरह की चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के ब्लैक बॉक्स को, यानी उसके जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। एक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंज्यूमर करेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, और दूसरे कंज्यूमर का, बायर का डिसीजन प्रोसेस है। अब हम पहले, यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं ये तफसील की मतकाजी हैं, यानी इस बात का तकाजा करती हैं कि हम डिटेल के साथ, यानी कंज्यूमर वो करेक्टरिस्टिक्स जो कंज्यूमर बायर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको भी तफसीलन पढ़ें, और उसके साथ जो बायर डिसीजन प्रोसेस है उसके बारे में भी बात करें। तो पहले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी बायर के डिसीजन प्रोसेस को, या बायर का जो डिसीजन है टू बाय समथिंग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, एक बात आप याद रखिए, अगर आप ये जान लेते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो बहुत हद तक आपके लिए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना आसान हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपने गौर से जो चीज़ समझनी है और जिस चीज़ पे फोकस्ड रहना है थ्रू आउट द डिस्कशन अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स विच इन्फ्लुएंस द बायर बिहेवियर, और उसके बाद जो बायर डिसीजन प्रोसेस है वो ये है कि देखिए कि इसमें से हर करेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह से अल्टीमेटली बायर की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इसमें हमारी थॉट ये है कि देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट आवर बाइंग बिहेवियर, फ्रॉम कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस टू मोटिवेशंस, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स लाइंग डीप विद इन अस। हम इनका तफसीलन मुतालिया करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने वो चार तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक अगर आप देखें तो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरे सोशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीसरे पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर चौथे साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये हमारा बायर है जिसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, जो आपके लिए समझने की चीज़ है वो ये है कि ये जो आपके फैक्टर्स हैं इनको अरेंज किया गया है फ्रॉम ब्रॉडर टू क्लोजर, फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोअर। देखें, कल्चरल जिसमें कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास आता है, ये ब्रॉड फैक्टर्स हैं जो बायर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी तफसील से करेंगे। अच्छा, इसके बाद सोशल जिसमें रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस हैं, ये अगले लेवल पर, यानी अब ये ब्रॉड हैं लेकिन कल्चर से कम ब्रॉड हैं, ये क्लोज होते जा रहे हैं। फिर पर्सनल, किसी की एज, उसका लाइफ साइकिल, उसकी ऑक्यूपेशन, उसके इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनालिटी, ये पर्सनल फैक्टर्स हैं किसी कंज्यूमर के जो उसकी बाइंग चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके बाद साइकोलॉजिकल, यानी मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी बायर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप ये देखिए, हमारे सामने चार फैक्टर्स हैं जो कि आप याद रखिए इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को: कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल। हम अपने आने वाली वीडियोस में इन तमाम फैक्टर्स को मज़ीद तफसील के साथ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम समझें कि किस तरह ये कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।